तो आज हम बनाएंगे मिर्ची वाली दही। आपने दही भिंडी खाई होगी, कई तरीके की दही की रेसिपी खा बना के खाई होगी, लेकिन आज हम मिर्ची वाली दही बनाएंगे। दही वाली मिर्ची या मिर्ची वाली दही भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने थोड़ी सी मिर्ची ली है, मोटे साइज़ की मिर्ची है, तो यहाँ मिर्ची धो ली है और इसका ऊपर वाला डंडी वाला हिस्सा निकाल देंगे और बीच से इस तरह से हम चीरा लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार इस तरह से यहाँ सॉरी यहाँ पे मिर्ची हमारी टूट गई है, कोई बात नहीं, हम दूसरा आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका ऊपर वाला हिस्सा निकाल लेंगे, फिर बीच से चीरा लगा लेंगे ताकि मसाले वगैरह अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ सारे मिर्ची को हमने काट लिया है, इस तरह से बीच से चीरा लगा लिया है। अब यहाँ पर चीज़ें हमें क्या क्या लेनी है वो भी देख लीजिए। एक बार इस तरह से आप मिर्चे के अचार या फिर दही वाले मिर्चे बना लेंगे तो बार बार इस तरह से बना के खाना पसंद करेंगे। यहाँ देख सकते हैं एक चम्मच हमने लिया है जीरा, एक चम्मच सूखा धनिया, एक चम्मच यहाँ पे सौंफ, एक चम्मच हमने यहाँ पे लिया है अजवाइन और 10-12 हमने काली मिर्च, आधा चम्मच यहाँ पर राई ली है हमने, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। अब क्या करना है, दो चम्मच हमने दो से ढाई चम्मच यहाँ पे हमने दही लिया है, दही यहाँ पे खट्टी वाली है, और इन चीज़ों को हमें क्या करना है, कूट के यहाँ पे दरदरा सा पाउडर बनाना है। ध्यान दीजिएगा कूटना ही हमें, बहुत ज़्यादा महीन यहाँ पे नहीं, सिर्फ दरदरा से यहाँ पे पाउडर चाहिए। सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डाल देते हैं कूट में, कूटनी वाले में, ताकि इसे अच्छे से कूट जाएगी, ज़्यादा महीन नहीं होगी। इस तरह का आप अचार या फिर दही वाले मिर्ची बना लेंगे। तो अगर आपका सब्जी बनाने का मन नहीं है तो उस टाइम पे आप क्या करिए, दाल चावल बना लीजिए, उनके साथ ये मिर्ची का अचार के जैसे खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। या फिर दाल रोटी के साथ इन्हें खाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कूट के दरदरा सा हमने यहाँ पर पीस लिया है, उसके बाद गैस की ओर चलते हैं। तो यहाँ एक चम्मच डाल दिया है तेल, तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे आधा चम्मच राई। तो देख सकते हैं आई राई ली है, राई को डालने के बाद क्या करना है, राई पहले यहाँ पे अच्छे से चटक जाने देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं राई हमारी अच्छी से चटक गई, फिर यहाँ पे जो हरी मिर्च में हमने चीरा लगाया था उस हरी मिर्च को यहाँ डाल देना है। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए, मीडियम फ्लेम पे इन्हें कम से कम आप इस तरह से चला लीजिए एक दो बार, और इसे ढक देते हैं फटाफट से, क्योंकि इसके झार लगने लग जाता है। तो इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो क्या होगा ना इससे कि आप देख सकते हैं इनका जो कलर है हल्का सा ब्राउन होने लग गया, यानी मीडियम फ्लेम पे हल्के हल्के फिर से इन्हें ढक देना है ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। तो अब सॉफ्ट होने के बाद यहाँ पे डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक, यानी स्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ नमक डाल दिया हमने। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर चला लीजिए 1 से 2 बार, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये समझ लीजिए एक तरह से अचार का काम करता है। अगर इस तरह से मिर्ची आप बना के इसे स्टोर करने के लिए, आप इसे 10 से 15 दिनों महीनों भर के लिए स्टोर कर दीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। यहाँ पे जो कूटे हुए हमने मसाले कूटे थे, सौंफ, सूखा धनिया, जीरा, काली मिर्च वगैरह, वो भी हमने छिड़क दिया है 2 चम्मच। अब यहाँ पर डाल देंगे लास्ट में 2 चम्मच यहाँ पर डालेंगे दही, 2.5 चम्मच हमने दही लिए, 2.5 चम्मच यहाँ पर दही डाल देते हैं। दही का जब डालते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर इन्हें 2 से 3 मतलब कि 10-12 सेकंड के लिए भून लीजिए मीडियम फ्लेम पे, और इसे क्या करना है अच्छे से मिक्स कर दीजिए दही में, और कुछ सेकंड के लिए इन्हें ढक दीजिए। तो यहाँ 2-3 सेकंड के लिए हमने ढक दिया था, और देख सकते हैं यहाँ पे मिर्ची वाली दही, दही वाली मिर्ची जो भी बोल सकते हैं, बन के हमारा तैयार है। बिल्कुल फटाफट से क्या करना है इन्हें सर्व कर लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं दही वाली मिर्ची बनके तैयार है। ये अचार की तरह आप खाइए, इन्हें सब्जी की तरह आप खाइए, बहुत ही चटपटी स्पाइसी सी रेसिपी है। आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।